तो दोस्तों आप मानो या ना मानो लेकिन आज की डेट में QR कोड मैंडेटरी हो गया है आपके बिजनेस के लिए। आप कहीं भी बिजनेस कर रहे हो, आप किसी तरीके का भी आप बिजनेस कर रहे हो, आपको QR कोड जरूरी है आपको बिजनेस अच्छे से चलाने के लिए। क्योंकि बिना QR कोड के दोस्तों पेमेंट कलेक्ट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, आपका टाइमली पेमेंट कलेक्ट नहीं हो पाता है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि टैली के QR कोड को प्रॉपर तरीके से कैसे यूज करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने QR कोड टैली में इनेबल तो कर लिया है लेकिन उसके क्या क्या यूज है उनको नहीं पता है। तो आज की वीडियो में चलिए समझते हैं, देखते हैं शुरू से आखिरी तक क्या यूज रहेगा टैली में QR कोड का और उसको कैसे अपने को इनेबल करना है और सारे फीचर्स को कैसे सेट करके रखना। तो दोस्तों सबसे पहले अपने को टैली में कंपनी को ओपन कर लेना है। यहां पे Alt K करेंगे, कंपनी के अंदर चले जाएंगे, यहां फीचर्स में चले जाएंगे। फीचर्स में भी इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे अकाउंटिंग इन्वेंटरी टैक्सेशन से रिलेटेड। इसके बाद इसमें आपको यहां पे एक ऑप्शन और दिखेगा शो मोर फीचर्स वाला, इसको आप जैसे यस करेंगे तो बाकी फीचर्स भी यहां पे इनेबल हो जाएंगे। और इसी बाकी फीचर्स में आपको लास्ट में अदर्स वाला फीचर्स भी मिलेगा। अब अदर्स वाले फीचर्स में आप देखेंगे यहां पे इनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर पेमेंट लिंक QR कोड का ऑप्शन आ रहा है, आपको इसको यस करके रख देना है। जैसे आप यस करेंगे दोस्तों आपके सामने यहां पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इसमें मैंने अपने QR कोड का डिटेल डाल के रखा हुआ है। अगर आपके पास में इतने सारे फीचर्स अगर नहीं दिख रहे हैं तो आप F12 करके यहां से कुछ चीजों को आप इनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, जब आप रिपोर्ट जनरेट करें तो उस समय भी आप पेमेंट QR कोड जनरेट कर पाएं और साथ में आप पेमेंट के लिए एक्सपायरी डेट भी सेट कर पाएं उस लिंक के लिए कि इस पर्टिकुलर डेट के बाद में वो लिंक काम ना करे, एक्सपायर हो जाए। तो ये दोनों ऑप्शंस भी आप इनेबल करके रख सकते हैं। अब दोस्तों इसमें मर्चेंट प्रोफाइल डिटेल आपको डालना रहेगा। तो मर्चेंट प्रोफाइल डिटेल में आपको सबसे पहले नाम डाल देना है, जिस नाम से आप पेमेंट कलेक्ट कर रहे हैं वो आपको नाम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट UPI और रेजर पे और पे यू मनी का तीन ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं लिस्ट ऑफ पेमेंट मोड्स में। अगर आपने पे यू मनी या रेजर पे में अकाउंट अपना बना के रखा हुआ है, आपका अप्रूव्ड अकाउंट है, तो आप यहाँ पे रेजर पे वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे रेजर पे सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे आपको मर्चेंट ID डालनी रहेगी जो आपको रेजर पे से मिलेगा, और यहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल ID भी आपको डाल देनी है जिससे आप पेमेंट कलेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे फोन पे या गूगल पे वगैरह जैसे माध्यम का यूज करके पेमेंट कलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे UPI सिलेक्ट करना चाहिए। UPI आप सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको UPI ID डालने के लिए ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको UPI ID डाल देना है। ये UPI ID आपके फोन पे वगैरह ऐप में भी जाके आप देख सकते हैं, वहां से भी आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको मर्चेंट नेम डाल देना है, जो भी आपकी कंपनी का नाम है यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट है दोस्तों अपना QR कोड डिटेल का, सेव QR कोड व्हाइल जनरेटिंग फ्रॉम रिपोर्ट्स करके जो अपन F12 करके इनेबल किए थे, ये वाला ऑप्शन है आस्क मी एवरी टाइम, ये आप सेट करके यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर आपको और भी प्रोफाइल क्रिएट करने हैं अलग अलग पेमेंट QR कोड के, तो आप यहाँ पे बैक करके यहाँ पे जो आपको मर्चेंट प्रोफाइल करके नो जो लिखा हुआ है इसको आप यस करेंगे तो सेम ऐसे ही एक पेज और खुलेगा, तो आप दूसरा पेमेंट ID भी डाल सकते हैं। फिलहाल अपने को दूसरा पेमेंट ID डालने की जरूरत नहीं है, अपन एक ही पेमेंट ID से काम चलाएंगे। यहाँ पे इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ और एंटर करके यहाँ पे सेव कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमने अपना वाला QR कोड ऐड कर दिया है टैली के अंदर। जो भी आप रिपोर्ट निकाल के देंगे, जो भी आप बिल निकाल के देंगे, तो आपका जो ये UPI ID जो भी आपने सेट किया, यही वाला UPI ID सामने वाली पार्टी के पास जाएगा और वो स्कैन करके आपको जब पेमेंट करेगा तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाया करेगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जब आप कस्टमर को बिल देंगे तो उसमें QR कोड कैसे प्रिंट होके आए। तो उसके लिए अपने को यहाँ पे जाना है अल्टर के अंदर में और वाउचर टाइप के अंदर चले जाना है, या तो आप नया वाउचर टाइप जब क्रिएट करते हैं तो वहां भी सेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप सेल्स वाउचर के तहत आप इनवॉइस क्रिएट करते हैं तो आपको यहाँ पे सेल्स में चले जाना है। और यहाँ पे एक लास्ट में आपको ऑप्शन दिखेगा दोस्तों जनरेट पेमेंट लिंक कोड आफ्टर सेविंग वाउचर करके, इसको आपको यस कर देना है। जब भी आप वाउचर सेव करेंगे ये वाला सेल्स वाउचर, तो उस समय आपको पूछेगा कि आपको पेमेंट का QR कोड जनरेट करना है क्या, तो आप वहां पे यस करके QR कोड अपना जनरेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे जनरेट होता है QR कोड यहाँ पे। तो मैं अगर दोस्तों यहाँ पे जाऊं एक वाउचर क्रिएट करने के लिए सेल्स वाउचर में, मैं यहाँ पे चले जाता हूँ सेल्स वाउचर में, इधर मैं एक पार्टी का नेम सिलेक्ट कर लेता हूँ ABC लेजर करके। तो मैंने दोस्तों एक इनवॉइस ये क्रिएट कर लिया। अब मैं जब एंटर करूंगा यहाँ पे इसको सेव करने के लिए, तो ये पूछेगा कि आपको पेमेंट QR कोड जनरेट करना है क्या। आप यहाँ पे यस करेंगे, अब यहाँ पे आपको बिल रेफरेंस ये दे देगा, इधर आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और भी नंबर डालना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं।
और इसमें अगर आपको ये रिमार्क या बिल रेफरेंस के ऑप्शंस अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पर भी F12 करके उसको भी आप यस करके रख सकते हैं। आपको यहाँ पे एक्सपायरी पीरियड, रेफरेंस नंबर और रिमार्क का ऑप्शन दिया रहता है, तो आप यस करेंगे तो आपको यहाँ पे रेफरेंस और रिमार्क का ऑप्शन शो करने लगेगा। अब अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको अमाउंट डालने का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे आपका जो बिल अमाउंट है वो आ रहा है, लेकिन आप चाहें तो इस अमाउंट को चेंज कर सकते हैं। फिलहाल तो हम लोग बिल का ही अमाउंट कलेक्ट कर रहे हैं, इनवॉइस में अपन इसी का पूरा फाइनल अमाउंट ही रखेंगे। और यहाँ पे रिमार्क में अगर आपको कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे रिमार्क में लिख सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से बिंग अमाउंट ऑफ इनवॉइस नंबर 4 करके लिख दिया। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं सेव करूंगा दोस्तों, यहाँ मैसेज आएगा QR कोड इज जनरेटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे अगर अपन आगे बढ़े और इसको जाके प्रिंट करें, तो ये वाला अपन ने इनवॉइस क्रिएट किया था ₹265 वाला। अब यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और मैं इसमें कंट्रोल पी करता हूँ और प्रीव्यू में यहाँ पे चले जाता हूँ। यहाँ प्रीव्यू में जाके आप देख सकते हैं, इधर इनवॉइस के अंदर में अपना QR कोड जो है वो शो कर रहा है। तो ये QR कोड अगर आपका नहीं शो करता है तो उस कंडीशन में क्या करना है, तो वो भी चलिए देख लेते हैं। तो यहीं पे आप जब कंट्रोल पी प्रेस करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको कॉन्फिगर का ऑप्शन मिल जाता है। आप कॉन्फिगर में चले जाइए और यहाँ पे पेमेंट रिक्वेस्ट डिटेल वाला जो ऑप्शन मिलता है मेथड, आप पेमेंट रिक्वेस्ट वाले में यहाँ पे आपको एंटर करना है और इधर आपको लिंक एंड QR कोड का ऑप्शन सेट कर देना है। इधर अगर नॉट अप्लीकेबल रहेगा तो आपका QR कोड उधर इनवॉइस में शो नहीं करेगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिंक एंड QR कोड सेट करना जरूरी है। ये चीज एक बार आप अगर सेट कर देते हैं तो आपका सेट ही रहता है, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब दोस्तों अपना यहाँ पे प्रीव्यू में तो ऐसा दिख रहा है और ये आप जब प्रिंट निकालेंगे तो QR कोड के साथ में प्रिंट निकल के जाएगा, कस्टमर को मिल जाएगा, कस्टमर स्कैन करके पे कर सकता है। लेकिन अगर आपको देखना है कि इस इनवॉइस में QR कोड जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या UPI आईडी डली है क्या नहीं डली है, तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि या तो फिर आप प्रिंट निकालें उसको स्कैन करके आप चेक करिए, हो सकता है यहाँ पे और किसी की UPI आईडी डली हुई इस इनवॉइस पे। तो वो चीज चेक करने के लिए आपको यहाँ पे रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाना है दोस्तों। आप कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे, इधर कंट्रोल ओ करने के बाद में यहाँ पे आपको पेमेंट लिंक QR कोड वाला ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे QR कोड डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपका QR कोड दिखते रहेगा, UPI आईडी डली हुई है और कितने अमाउंट का QR कोड है जो कस्टमर पे करेगा इसको स्कैन करने के बाद में, वो भी साथ में आपको दिखते रहेगा। तो यहाँ से आपका चेक भी हो जाएगा कि भैया ये वाला जो इनवॉइस है इसमें QR कोड जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर सामने कस्टमर खड़ा है तो आप तुरंत ही इसको स्कैन करा के अपने सिस्टम से उसको पे करने के लिए भी बोल सकते हैं। और बाकी बिल को आप कस्टमर को चाहें तो मेल पे भी डाल सकते हैं और वहां से भी वो मेल से या व्हाट्सएप से, अभी तो व्हाट्सएप का भी ऑप्शन आ गया है टेलीप्राइम 4.1 में, तो वहां से भी आप भेज सकते हैं कस्टमर को और वो आपको पे कर देगा। तो ये तो दोस्तों हो गया अपना पर्टिकुलर एक इनवॉइस का, कि एक इनवॉइस का आप कैसे QR कोड के साथ में निकाल सकते हैं उसका प्रिंट वगैरह, और कैसे चेक कर सकते हैं कि अपना कौन सा QR कोड इसके अंदर डला है, बिल के अंदर कौन सा UPI आईडी डला है कौन सा नहीं डला है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से चेक करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको बल्क में डालना है, मान लीजिए आपने आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट भेजी कस्टमर को और वहां पे आपको शो करना है QR कोड वगैरह, तो उसको कैसे करेंगे। तो अगर मैं इस लेजर में जाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे अगर पर्टिकुलर मैं ABC लेजर में यहाँ पे चले जाता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे स्टेटमेंट में आपको कैसे QR कोड ऐड करना है, कैसे यहाँ से आपको स्टेटमेंट भेजते समय QR कोड आना चाहिए, उसके लिए चलिए देखते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करने के लिए जाऊं, मैं यहाँ पे कंट्रोल पी करता हूँ, यहाँ पे प्रीव्यू में चले जाता हूँ। तो अब जैसे ही मैं प्रीव्यू में गया इसको प्रिंट करने के लिए, आप देखते हैं कि ये पूछ रहा है कि आपको इसके लिए भी पेमेंट QR कोड जनरेट करना है क्या। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आप किसी स्पेसिफिक बिल के लिए जनरेट करना है कि सभी बिल के लिए आपको QR कोड जनरेट करना है, यानी कि आपका स्टेटमेंट में सभी बिल जाए और वहां पे आपका QR कोड जब जो भी जाए उसमें स्कैन करने के बाद में सारे के सारे बिल शो करे पार्टी को और वो पेमेंट कर सके, या पर्टिकुलर किसी एक स्पेसिफिक बिल का ही आप पेमेंट लेना चाहते हैं दोस्तों। तो यहाँ मैं ऑल बिल्स करूंगा और यहाँ पे जो भी आपको रिमार्क वगैरह डालना है, यहाँ पे रिमार्क में आप बिल नंबर भी डाल सकते हैं कि बिल नंबर दिस, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे, डू यू वॉन्ट टू सेव द QR कोड इन सिलेक्टेड वाउचर्स करके पूछ रहा है, यस करेंगे इसको, ये अपना सक्सेसफुली QR कोड जो है वो जनरेट कर देगा दोस्तों। अब जब भी आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये स्कैन टू पे वाला ये जो ऑप्शन है ये आपको शो कर जाएगा और जो भी कस्टमर को आप देंगे वो यहीं से पेमेंट कर सकता है स्कैन करके। अब मान लीजिए पर्टिकुलर आपको इसमें से किसी एक दो बिल को ही सेंड करना है QR कोड के थ्रू, आप तो अभी लेजर में है, अगर आपको डे बुक्स के थ्रू जाके सेंड करना है बिल को QR कोड जनरेट करना है, तो आप यहाँ डे बुक में भी आके ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए जितने बिल में आपको QR कोड जनरेट करना है, ठीक है। मैंने इतने बिल को ही बस सिलेक्ट करके रखा हुआ है, अब मुझे इसी बिल में QR कोड जनरेट करना है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको जाना है एक्सचेंज के अंदर में, तो
इधर एक्सचेंज में जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे आपको जनरेट पेमेंट लिंक क्यूआर कोड का ऑप्शन मिल जाएगा। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है एक्सचेंज के अंदर में। आप किसी भी रिपोर्ट पे कहीं भी रहें, आप किसी किसी बिल को सिलेक्ट करके पर्टिकुलर उसी बिल के अंदर आप क्यूआर कोड डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आल्ट जेड करना है, एक्सचेंज में चले जाना है, इधर आपको जनरेट पेमेंट लिंक क्यूआर कोड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपने जो सिलेक्ट करके रखा है इसमें दो ऑप्शन आ रहा है, करंट करके आ रहा है, अदर्स करके आ रहा है। तो करंट में जो भी आपका यहाँ पे शो हो रहा है इस पर आप करंट में चले जाएंगे। अब इसमें आपको मल्टीपल बिल रेफरेंस करके आ रहा है, इस पर आप सेट कर देंगे, इसके बाद एंटर करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे मैंने ये तीन बिल सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे 4,248.50 रुपए का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इसमें कम बिल सिलेक्ट करता हूँ तो कितने का ऑप्शन, मान लीजिए मैं ये 2600 वाला अनसेलेक्ट कर देता हूँ, मुझे सिर्फ दो का ही क्यू आर कोड जनरेट करना है। तो मैं ये दो बिल सिलेक्ट करके रखा हूँ, अब मैं यहाँ पे आल्ट जेड करता हूँ और यहाँ पे मैं क्यूआर पेमेंट लिंक पे जाता हूँ, करंट में चले जाता हूँ। अब मैं मल्टीपल रेफरेंस में जाऊंगा, आप देख सकते हैं जितने बिल को मैंने सिलेक्ट करके रखा दोस्तों उतने ही बिल का यहाँ पे टोटल आ रहा है। यानी कि जब मैं इसको एंटर करके यहाँ पे सेव करूंगा तो उतने ही बिल का क्यूआर कोड जनरेट करेगा ये, ठीक है। तो आपका जितने बिल चाहे उतने बिल का आप क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं और जब भी आप इस बिल को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू में दिख जाएगा कि आपका यहाँ पे क्यूआर कोड ये डला हुआ है और कस्टमर जब भी आपको स्कैन कर पे करेगा कितने का क्या अमाउंट है, कैसा क्या अमाउंट है कस्टमर को दिखेगा वहां पे। अब दोस्तों यहाँ पे एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बेसिक आप वैल्यू करके आप कंट्रोल बी करेंगे, कंट्रोल बी में आपको यहाँ पे स्टेटस ऑफ वाउचर्स करके मिल जाएगा। इसके अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका पेमेंट लिंक किस किस का जनरेट हुआ है, किस किस का अभी बचा हुआ है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं विथ पेमेंट लिंक क्यूआर कोड का ऑप्शन है, जैसे सिलेक्ट करेंगे। अब मैं इसको बैक कर दूंगा एक बार, अब आप देख सकते हैं सिर्फ इतने बिल का मैंने इसमें से क्यूआर कोड जनरेट करके रखा हुआ है। अब इसमें अगर आप देखना चाहें किसका किसका नहीं हुआ है जनरेट तो यहाँ पे सेम विदाउट पेमेंट लिंक क्यूआर कोड का ऑप्शन है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, एक बार बैक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इतने का अपना क्यूआर कोड जनरेट नहीं हुआ है। यानी कि अपने जो सेल्स इनवॉइसेस थे उसके जनरेट हो चुके हैं, ये अपने बचे हुए हैं जिसका अपने जनरेट नहीं किया हुआ है। तो ये तो हो गया दोस्तों एक चीज, यहाँ पे मैंने डे बुक में जो आपको दिखाया यही सेम चीज आप यहाँ पे लेजर में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर किसी एक दो बिल का ही अगर क्यूआर कोड जनरेट करना है तो यहाँ पे भी आप एक्सचेंज में जाके इधर जनरेट क्यूआर कोड करंट करके यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। यानी कि आप कहीं भी रहें पूरे टैली के अंदर आपका ये ऑप्शन जो है एक्सचेंज वाला वहां पे भी रहेगा, तो आप वहीं के वहीं क्यूआर कोड किसी भी चीज का जनरेट करके वहीं से आप बिल निकाल के भी दे सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों, अगर अपन लेजर दे रहे हैं तो उसमें आपका क्यूआर कोड जाएगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे बिल वाइज डिटेल भेज रहे हैं कस्टमर को तो इधर F5 करेंगे, बिल वाइज डिटेल जो आता है अपना बिल वाइज बिल एंट्री हुई है। अब इसके अंदर आपको क्यूआर कोड ऐड करके भेजना है कि भैया आपका इतना इस बिल का पेमेंट बचा हुआ है, ये अपना क्यूआर कोड है या पे कर देना। तो इसमें भी अपने को दोस्तों कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा आप कंट्रोल पी करिए, इसमें आप प्रीव्यू में जाएंगे प्रिंट करने के लिए। यहाँ पे आपसे पूछ लेगा कि आपको बिल्स का जनरेट करना है क्या, ऑल बिल्स का कि किसी स्पेसिफिक बिल का, तो यहाँ पे आप ऑल बिल्स करके सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे रिमार्क में बिल नंबर वगैरह डाल दीजिए तो यहाँ पे आप एक्सेप्ट करेंगे, सेव करेंगे, आपका क्यूआर कोड जनरेट हो गया। तो जब भी आप कस्टमर को एक बिल देने जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे भी आपका क्यूआर कोड जो है वो शो हो जाएगा, जिसको स्कैन करके कस्टमर आपको पे कर सकता है, जिससे आपकी आउटस्टैंडिंग हमेशा नॉर्मल रहेगी, क्लियर रहेगी। तो इस तरीके से दोस्तों अपन प्रॉपर क्यूआर कोड का यूज करते हैं टैली के अंदर में। अगर आपने अभी ये सारी चीजें इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ है तो आप जरूर इंप्लीमेंट करिए, क्योंकि बिना क्यूआर कोड के अभी काम नहीं चलने वाला है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो जरूर बताइए कमेंट करके, और वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।